आर प्रभु शंकर स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ कर्नाटका ने आलमिया जारी करते हुए कहा कि आज दिन भर कर्नाटका के टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर में ये खबर नशर हुई कि गवर्नर ने कर्नाटका भाषा अभिवृद्धि अध्यादेश 2024 60% कमर्शियल बोर्ड्स इन कर्नाटका भाषे को रिजेक्ट कर दिया है। इसकी वजाहत करते हुए प्रभु शंकर ने आलमिया में तहरीर किया कि गवर्नर ने रिजेक्ट नहीं किया बल्कि हुकूमत कर्नाटका को ये कहकर वापस किया कि आने वाले सेशन में दोनों सदनों में इस पर बहस कर पास करवाएं। 12 फरवरी को कर्नाटका असेंबली को दोनों सेशन चालू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी, उर्दू न्यूज। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।